हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबसुम एंड दिस इज़ तबसुम हियर। सो गाइज, आज की वीडियो जो है वो है हमारे इंग्लिश सीखने वाले बच्चों के लिए। और जैसा कि आप लोग थंबनेल से बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बताने वाली हूँ, इसके रूल्स और इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेकर उसको सॉल्व करके भी देखेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप नहीं करें, ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सो गाइस, इससे पिछली वीडियोज़ में मैं आपको प्रेजेंट के सारे टेंसेस ऑलमोस्ट कवर करा चुकी हूँ, लाइक आपका प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप शुरुआत से अपने सेंटेंस सीख सकें। इसके अलावा गाइस, एक वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें नहीं पता है इंग्लिश के बारे में, सेंटेंस के बारे में, कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती हैं और एक सेंटेंस किन किन चीज़ों को मिला करके बनता है, तो इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई थी कि आओ सेंटेंस सीखें। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको इंट्रोडक्शन देना सीखना है सिंपल सी इंग्लिश में, काफ़ी इंप्रेसिव सा इंट्रोडक्शन अगर आप सीखना चाहते हैं, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा, ताकि ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वही फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके इंग्लिश के ऑलमोस्ट सारे टेंसेस, आपकी ग्रामर, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, आपका सिलेबस रिगार्डिंग सभी वीडियोस आपको यहां से मिलती रहती है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। शुरू करते हैं गाइस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, ताकि जो है आपके सामने ये इसकी पहचान, रूल्स और इसके एग्जांपल्स जो है बिल्कुल क्लियर रहें। सो आई थिंक यू हैव टेकन योर स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स बिगन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द पहचान, ठीक है, हम आइडेंटिटी करेंगे इन सेंटेंस की। अब देखिए, ये जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, इनमें क्या होता है, मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब आपकी क्या होती है, वर्ब मीनिंग क्रिया। यानी अगर आप किसी भी सेंटेंस के अंदर ये कह रहे हो कि तुम जा रहे हो, तो आपका जाना, या खा रहे हो तो ये आपका खाना, ये सारे जो वर्ड हैं आपके, ये आपकी मेन वर्ब होती हैं। कि भाई खाना, आना, जाना, नहाना, धोना, पीना, सोना, बातें करना, तो ये आपकी सारी की सारी वर्ब हैं, मेन वर्ब। तो इसमें क्या होगा, मेन वर्ब के साथ लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने तुमसे फ़ोन लिया, ठीक है, या मैंने तुमसे पैसे लिए, तो लिया आपका यहाँ पर लास्ट में आ रहा है आ, ठीक है, लिया। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए, या फिर मैंने तुम्हें एक मोबाइल दिया, तो यहाँ पर आपका आ रहा है लास्ट में, यानी दिया, ठीक है। अगर हम कहें कि वो मेरे घर आया, तो ये पास्ट की बात है, ठीक है, पुराने टाइम की बात है, चाहे वो कल आया, परसों आया, चार दिन पहले आया, एक साल पहले आया, बट ये काम आपका पास्ट में हुआ। इसी तरीके से मैं कहूँ कि मैं स्कूल गई, या तुम हॉस्पिटल गए, तो जहाँ पर भी हम गए, यानी लास्ट में आपका यह आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं कहूँ कि मैंने चाय पी ली, है ना, या फिर मैंने तुमसे पैसे लिए इस तरीके से, या फिर मैंने तुम्हें गाली दी, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनके लास्ट में आपका लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं हिंदी वाक्यों के लास्ट में। एक चीज़ गाइज आपको और ध्यान रखनी है, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की जो पहचान है, उनके लास्ट में कभी भी हमारा था, थी, थे, या हैं, हूँ, हे, इस तरीके के कोई भी वर्ड्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपका जो है, जब भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, तो इनमें लिया, दिया, खाया, पिया, ये सारे वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँ कि मैंने कल तुमसे बातें की, ठीक है, हमने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस सीखा, तो सीखा का मतलब ये काम हमने पास्ट में किया, ठीक है। अगर हम कहें कि भाई तुमने मेरा फ़ोन चुराया, या मैंने उसे गाली दी, तो ये जो सारे के सारे काम है गाइस, ये हम लोग के पास्ट को शो करते हैं, कि भाई हाँ, ये काम हमारा पास्ट में हुआ, था थी वर्ड इसमें कहीं पर नहीं आएगा। अब चलिए, ये तो मैंने आपको पहचान बता दी है, लेट्स बिगिन द रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके जो सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव की बात करेंगे, देन नेगेटिव की बात करेंगे, देन इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, कि जहाँ आपकी बातों से पॉजिटिविटी झलके, अफर्मेटिव बातें, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मैं तुमसे मिला, ठीक है, तो ना तो इसमें नहीं का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, ना इसमें आपसे मैं कोई सवाल कर रही हूँ, बस मैंने सिंपल सा वर्ड बोला है कि मैं तुमसे मिला, या फिर हमने इंग्लिश सीखी, तुमने बातें की, तो ये जो हमारे सेंटेंस है, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है।
इसी तरीके से फिर हमारे जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब आप जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नेगेटिव का मतलब जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा हो। अगर मैं कहूँ कि मैंने तुमसे बातें नहीं की, तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए, तो यहाँ पर हमारे सभी सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव। उसके बाद गाइस आप लोगों के इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में मैं उन सेंटेंस को यहाँ पर रखती हूँ जहाँ पर आपके सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है। अगर मैं कहूँ कि क्या मैंने फुटबॉल खेला, क्या तुमने जूस पिया, क्या हमने बातें की, क्या तुमने मूवी देखी, क्या मैं स्कूल गई, तो इस तरीके से जो आपके सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे होते हैं वो आपके अफर्मेटिव इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्या से इनकी शुरुआत होती है। इसके बाद गाइस आप लोग के इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में वो आते हैं जब हमारा हिंदी वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये सारे वर्ड आए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि तुमने क्रिकेट कहाँ खेला, हमने बातें कब की, तुमने मुझे कहाँ देखा, तुमने ये काम कैसे किया, तो ये जो हमारे कब, कहाँ, क्यों, कैसे वर्ड आ रहे हैं ये हिंदी वाक्यों के बीच में आ रहे हैं, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हुए। चलिए गाइस यहाँ पर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये तो जान लिया है, अब हम देख लेते हैं अफर्मेटिव का रूल। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में बात करें तो हमारा जो अफर्मेटिव का रूल होता है वो होता है आपका पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट इनका बिल्कुल मतलब ही नहीं पता है तो उस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो में पहले ही कवर कर चुकी हूँ कि भाई आपका जो है एक सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिला करके बनता है, तो वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मेक श्योर उसको ज़रूर देखें। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस की थी, आराम से आप समझ लोगे, ठीक है। तो आपका अफर्मेटिव का रूल है कि सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद गाइस नेगेटिव का जो रूल है वो है सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको पता है कि जब कभी भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट को सपोर्ट करने के लिए वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब, और इस सेंटेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, यानी नॉट हमारा अकेला नहीं लगेगा, नॉट के से पहले हमारा क्या लगेगा, डिड। तो नॉट को हेल्प कौन करेगा, डिड करेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट, डिड के साथ नॉट। फिर गाइस यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जैसे ही हमारा डिड बाहर आता है हमारी वर्ब के यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रह जाती है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, और लास्ट में विल पुट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद देखो हमने यहाँ पर नेगेटिव का रूल देख लिया है, देन वी विल सी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का मतलब जहाँ पर आपके सेंटेंस की शुरुआत हो रही है क्या से, ठीक है, क्या मैंने तुमसे बातें की, क्या हमने मोबाइल चलाया, क्या हमने बंदर देखा, जो भी आप क्या से शुरू कर रहे हो। तो क्या में हम गाइस क्या करेंगे, जस्ट हम अपने डिड को उठा करके बाहर ले आएंगे और सब्जेक्ट को इधर, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट पहले था और डिड हमारा बाद में था। इंटरोगेटिव क्या वाले सेंटेंस में हमारा डिड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, हमने जस्ट इन दो चीज़ों को आगे पीछे किया है, क्या के लिए कोई नया वर्ड हमने यूज़ नहीं किया। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर रहेगी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, क्या के लिए अलग से कोई नया वर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने जस्ट डिड को यानी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दिया है और सब्जेक्ट को बाद में। चलिए अब गाइस आप लोगों का इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का रूल आता है। सेकंड टाइप का मतलब क्या होता है, सेकंड टाइप का मतलब जब आपके हिंदी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, तो इन सभी वर्ड्स को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा क्वेश्चन वर्ड पुट करेंगे, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पूरा रूल ये ऊपर वाला ही लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड हो गया प्लस हमारा डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्टली विल पुट क्वेश्चन मार्क। अब गाइस आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी कि केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, अदरवाइज हमारा जो नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट और सेकंड टाइप सेंटेंसेस हैं इनमें हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी में हम लोगों का डिड बाहर आया हुआ है। चलिए आई थिंक इतना आपको सारे के सारे रूल्स क्लियर हैं। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करके जाएं, और साथ ही साथ अपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए डू विजिट माय अदर चैनल विच नेम इज़ पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी सर्कल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप 9 to 12 अपने ऑल सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस इंग्लिश रिलेटेड अपने सिलेबस के लिए और अपना इंग्लिश ग्रामर वगैरह के लिए डू सब्सक्राइब माय लर्न इंग्लिश ऑल्सो, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहां से मिलती रहे। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं हम लोग कुछ और उसके रूल्स के बेसिस पर हम जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, वह कॉलेज गया, ठीक है।
अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर मेन वर्ब के साथ लिया दिया आया गया ये सारे वर्ड आते हैं वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट होते हैं, और कहीं पर भी हमारा था थी है हूँ ये वर्ड यूज नहीं होंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं वह कॉलेज गया, चाहे वो कॉलेज कल गया, परसों गया, एक हफ्ते पहले गया या एक साल पहले गया। वैसे तो हो सकता है कोरोना से पहले ही आप लोग गए हों स्कूल, और हो सकता है अभी भी जा रहे हो। खैर तो देखो वह कॉलेज गया, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द रूल ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव में सबसे पहले हम लगाएंगे हमारा सब्जेक्ट गया, दैट मीन्स कोई लड़का है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया ही। ही के बाद देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, जो वर्ब होती है क्रिया, यहाँ पर काम हो रहा है जाने का, गया का मतलब जाना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गो, गो को बोलते हैं जाना, गो की सेकंड फॉर्म गाइस हम लोग की होती है वेंट, सो ही वेंट, ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल, स्कूल से पहले लगाएंगे हम टू, टू है हमारी प्रोपोजिशन, सो ही वेंट टू स्कूल, ये हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी को हम नॉट वाला बनाकर देखते हैं, दैट मीन्स हम इसको नेगेटिव बना के देखेंगे कि वह स्कूल नहीं गया। सो अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही, ही के बाद हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नोट को सपोर्ट करने के लिए वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हम लोग के हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड के साथ हम लोग लिखेंगे नॉट, सो ही डिड नॉट, फिर वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। देखो ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, अदरवाइज हमारा जो नेगेटिव आ गया है यहाँ पर डिड के आउट होते ही हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाती है, सो ही डिड नॉट। अब आपको पता है जाने की फर्स्ट फॉर्म तो गो ही होती है, गो और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, टू इज अ प्रपोजिशन हियर अगेन। इसके बाद गाइस हम इसको इंटरोगेटिव बना के देखेंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड मैंने यहाँ पर दोनों टाइप के लिख दिए हैं, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में कि क्या वह स्कूल गया। अब क्या के लिए गाइस हम लोग क्या करेंगे, क्या के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिड, उसके बाद है आपका सब्जेक्ट ही, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, सो डिड ही गो टू स्कूल दैन क्वेश्चन मार्क। चलिए इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका इंटरोगेटिव कि भाई वह स्कूल कब गया, तो हम इसको कब से बनाकर देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है गाइस इसमें है कब, कब को बोलते हैं हम व्हेन, क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे इसमें डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट व्हेन डिड, सब्जेक्ट है हमारा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो टू स्कूल, स्कूल नहीं सॉरी कॉलेज, यहाँ पर मैंने हर जगह स्कूल लिख दिया है, चलिए स्कूल ही हम इसको कर लेते हैं, बाकी कॉलेज था ये। चलिए इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं भी भेज दो किसी को ही वेंट टू स्कूल या फिर ही वेंट टू कॉलेज, ही वेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम आई थिंक फर्स्ट आपका सेंटेंस क्लियर है, तो उसने एक कहानी लिखी, उसने एक कहानी लिखी, लास्ट में आपका आ रहा है लिखी, चाहे वो कल लिखी, परसों लिखी, कभी भी लिखी, लेकिन ये हमारा काम पास्ट में हुआ, था इसमें कहीं नहीं आ रहा है हूँ इसमें कहीं नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो लिखी हमने यहाँ से पहचान कर ली कि भाई पास्ट इंडेफिनिट है हमारा। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या यहाँ हम ही लगाएं या शी लगाएं, ये डिपेंड करता है जब आप स्पीकिंग कर रहे हो और सामने आप किसके बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई लड़की बैठी है आपके सामने और आप ऐसे बोलो कि उसने एक कहानी लिखी, अब यहाँ पर उसने का मतलब कौन है, शी है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का सामने बैठा है और आपको बताना हो कि उसने एक कहानी लिखी, तो यहाँ पर वो जो उसने है वो एक ही होगा, तो यहाँ पर हमारी चॉइस है क्योंकि क्लियर नहीं है लड़की है लड़का है, हम ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सब्जेक्ट है हमारे ही, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसने क्या काम किया है, लिखने का काम किया है, तो वर्ब हमारी लिखना हो गया, आपको पता है लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म इज रोट, सो ही रोट एक कहानी, यानी ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, सो ही रोट अ स्टोरी। चलिए इसका नेगेटिव बना के देखते हैं, नेगेटिव है आपका सब्जेक्ट यानी ही के बाद आप लिखेंगे डिड, डिड के बाद नॉट, उसके बाद आप ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर आप लिखेंगे राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट, ठीक है फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, मतलब रोट तो सेकंड फॉर्म होती है, सो ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव, इसका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या वाला, कि क्या उसने कहानी लिखी, तो क्या में हम क्या करेंगे गाइस, डिड, उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट ही, उसके बाद है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म राइट अ स्टोरी, सो डिड ही राइट अ स्टोरी एंड क्वेश्चन मार्क। देन हम इसको इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में बना के देखेंगे कि उसने एक कहानी क्यों लिखी, तो हम इसको गाइस क्यों से बनाएंगे, ठीक है, तो क्यों के लिए हम यहाँ पर वाई लगाएंगे, वाई, उसके बाद है हमारा यू नो हेल्पिंग वर्ब डिड, वाई डिड, फिर है हमारा सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट अ स्टोरी, सो वाई डिड ही राइट अ स्टोरी। तो इस तरीके से हमने इसके भी फोर टाइप बना के देख लिए हैं। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बोलना हो सो ही
रोट अ स्टोरी, नेगेटिव बोलना हो सो ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में बोलना हो सो डिड ही राइट अ स्टोरी, और डब्ल्यूएच फैमिली में व्हाई डिड ही राइट अ स्टोरी। तो हमने यहाँ पर दो सेंटेंस बना के देख लिए हैं। लास्ट एक और हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्रिकेट खेला। अब क्रिकेट का यहाँ पर आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो, मैंने लूडो खेला, मैंने फुटबॉल खेली, मैंने बास्केटबॉल खेली, मैंने क्रिकेट खेला। चलिए कुछ ऐसे तरीके से हम बना के देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई भी बच्चा कन्फ्यूज ये नहीं होगा कि मैंने है तो मैं माय लिख दूँ, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा तो मैंने कहा माय लिख दिया या माइन लिख दिया या मी लिख दिया। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना। अब देखो आप सेंटेंस सीख रहे हो, मैंने क्रिकेट खेला। अब देखो ऐसे तो किसी से बोलोगे नहीं आप कि मैं क्रिकेट खेला, है ना। तो वो थोड़ा सा अलग लगेगा कि मैं क्रिकेट खेला, तुम पानी पिए, ऐसे नहीं बोलते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने का मतलब मैं ही हूँ, मैं का मतलब आई। तो आपका जो है सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई। आई ने क्या किया है, आई ने खेलने का काम किया है। तो आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्ले, प्ले की सेकेंड फॉर्म आपकी होती है प्लेड। सो आई प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या खेला आपने, क्रिकेट। सो आई प्लेड क्रिकेट। चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, आई, आई के साथ हम यहाँ पर लगाएंगे डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले क्रिकेट। सो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद गाइज हम इसका इंटरोगेटिव बना के देखेंगे कि क्या मैंने क्रिकेट खेला। सो क्या के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट हम डिड बाहर रख देंगे सॉरी। सो डिड, उसके बाद है सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले क्रिकेट। सो डिड आई प्ले क्रिकेट। और उसके बाद हम लिखेंगे गाइस इसका डब्ल्यूएच फैमिली कि मैंने क्रिकेट कहाँ खेला। तो इसको हम कहाँ से बना के देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया गाइस जिसमें वेयर, वेयर के बाद हम लिखेंगे डिड, डिड के बाद आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और लास्ट में हम लोगों का ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। सो वेयर डिड आई प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। सो विद दिस वी हैव डन आवर पहचान और रूल्स एंड देन फाइनली वी डिड सम एग्जाम्पल्स हियर। एग्जाम्पल्स में आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आई थिंक आपका जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ स्मॉल स्क्रीन शॉट सो यू कैन ईजिली टेक फ्रॉम हियर, बिकॉज यहाँ पर अब हमने इनको सभी को सॉल्व कर लिया। सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और वहाँ से जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं पूरा प्रेजेंट में ऑलरेडी आपको कवर करा चुकी हूँ, तो वहाँ से आप सारे के सारे सेंटेंस सीख सकते हैं। इसके अलावा लेट्स डू सम ओरल सेंटेंसेज हियर, जैसे कि तुमने मूवी देखी, ठीक है। सो यू वॉच्ड अ मूवी, अगर इसका नेगेटिव बनाए सो यू डिड नॉट वॉच अ मूवी, अगर इसका इंटरोगेटिव बनाए सो डिड यू वॉच अ मूवी, और डब्ल्यूएच फैमिली में हम इसको बोल सकते हैं व्हेन डिड यू वॉच अ मूवी, ठीक है। एक और सेंटेंस हम लोग सीख कर देखते हैं कि हमने यू नो बुक पढ़ी, हमने बुक पढ़ी या फिर हमने बुक यू नो खरीदी, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। सो वी परचेस्ड अ बुक, इसको नेगेटिव बनाएंगे सो वी डिड नॉट परचेज अ बुक, इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे सो डिड वी परचेज अ बुक, और डब्ल्यूएच फैमिली में व्हेन डिड वी परचेज अ बुक। आई थिंक आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आगे होंगे। पहले आप इसकी पहचान लिख के देखिए, देन इसके रूल्स लिखिए, फिर इसको दो चार बार आप लिख के देखेंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएंगे। साथ ही साथ इसकी ऑरली प्रैक्टिस भी आप करके देखेंगे, और कम से कम दो सेंटेंस आप मुझे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बना करके दिखाएंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने क्या सीखा। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी सिलेबस सभी रिगार्डिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अदर सब्जेक्ट्स के लिए यू कैन चेक आउट माई स्टडी सर्कल ऑल्सो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।